नमस्कार, मैं अपूर्वा बनर्जी, आप देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड सही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जानें कि हमारे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर हमें एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना भी बहुत कॉमन हो चुका है। कैशबैक, रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स इतने अमेजिंग होता है कि ऑलमोस्ट सब लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने लगे हैं। मगर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको ढेर सारा फी भरना पड़ रहा है। इसीलिए जितने भी क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान में रखें कि आप उनका स्टेटमेंट रेगुलरली चेक करें। क्या पेमेंट कर रहे हैं, क्या फी भर रहे हैं, ये सब आपके नजर में हमेशा रहे। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको मेंटेन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप कुछ क्रेडिट कार्ड्स को डिस्कार्ड कीजिए, कैंसिल कीजिए। बस उन्हीं क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करें जिनका रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आपके लिए सबसे फायदेमंद है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बहुत हाई है तो फिर वो आपके क्रेडिट स्कोर को लो बना सकता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो क्या होता है? वो है कि आप अपने क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट का 30% से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपके क्रेडिट स्कोर को ये इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल कीजिए, हमेशा स्टेटमेंट को रेगुलरली चेक करते हुए इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स नहीं है और आप एक नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने क्रेडिट स्कोर को चेक कीजिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो फिर आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है नया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, लो है, खराब है, तो फिर सबसे पहले ध्यान दें कि आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कीजिए सबसे पहले। तो जब भी आप एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जरूर ध्यान में रखें कि उससे जुड़े सारे दस्तावेजों को आप ध्यान से पढ़ें। टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझिए कि उनका रिवॉर्ड पॉइंट क्या है, एनुअल फी क्या है, ज्वाइनिंग फी क्या है, उसका इंटरेस्ट चार्जेस क्या है, लेट फीस क्या है, आपको जो बेनिफिट्स मिलेगा वो कितना है, रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स जो मिल रहा है वो आपको चाहिए कि नहीं, आपके लिए फायदेमंद होगा कि नहीं, ये कार्ड आपके फाइनेंशियल नीड्स को मीट कर पाएगी कि नहीं, इस कार्ड के साथ आपका जो पेमेंट होगा वो ईजी होगा कि नहीं, ये सब कुछ अच्छे से समझने के बाद Go ahead with that card. उसके बाद ही apply for that credit card. Credit card जब भी आप ले, उस credit card को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, काफी properly इस्तेमाल कीजिए, benefits को reap करते हुए इस्तेमाल कीजिए, और इसी के साथ इसका जो repayment है वो बिल्कुल time पे कीजिए ताकि आपका credit score ठीक ठाक यानी कि अच्छा बना रहे। credit score बहुत ही important है, आपको पता ही है। तो ये हो गया आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे जाने कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर आपको एक और नया चाहिए। वी होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और क्रेडिट कार्ड सही है को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।